बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इलियास फारूकी है और मैंने ये जापानीज़ लैंग्वेज पढ़ाने का यूट्यूब के ऊपर सिलसिला शुरू किया है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर जो है छोटा सा बनाया था, तो वो टेस्टिंग का उसमें इतनी ज़्यादा क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो मैंने कोशिश किया कि उससे ज़्यादा बेहतर इम्प्रूव करूँ और आपको ईज़िली समझ भी आ जाए। तो इंशाल्लाह आज से हम जापानीज़ का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। आप इस क्लास के अंदर इंशाल्लाह मुकम्मल जापानी लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, तो फोर स्किल्स होती हैं लैंग्वेज की, आपको इंशाल्लाह चारों इंशाल्लाह मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। तो मैं स्टार्ट से दोबारा कर रहा हूँ, तो आएँ इसका जो है ना वो हम स्टार्ट करते हैं। और मैंने यहाँ व्हाट्सअप भी दे दिया अपना नंबर, आप अगर इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं और इससे जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं जापानी से रिलेटेड, आप मुझे व्हाट्सअप पर जो है ना भेज सकते हैं। आप अपना नाम और सिटी लिख कर भेजें कमेंट्स के अंदर, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब भी दिया करूँगा। अच्छा, तो जापानी ज़बान लिखने के तीन तरीके हैं, जापानी ज़बान लिखने के तीन तरीके हैं। नंबर वन है हिरागाना, खाताकाना और कांजी। हिरागाना, खाताकाना और कांजी। हिरागाना और खाताकाना जो है ये अल्फ़ाबेट्स हैं, इसके 46 अल्फ़ाबेट्स हैं। और जो कांजी है ये शक्लों की ज़बान है। एक्चुअली जो जापानी लैंग्वेज है ये चाइनीज से ड्राइव की हुई है, और चाइनीज लैंग्वेज और जापानीज लैंग्वेज जो है ये पिक्टोग्राम्स हैं, तस्वीरों से लिखी जाती है, तस्वीरों में। और हिरागाना और काताकाना लिखने में मुख्तलिफ हैं, लिखने में अल्फ़ाबेट्स डिफरेंट हैं लेकिन बोलने में एक जैसी हैं, इनके उनके साउंड्स, उनकी आवाज़ें एक जैसी हैं। हिरागाना और काताकाना के 46 रूफ हैं, उसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो 46 हैं, जैसे इंग्लिश के 26 हैं, उर्दू के 32 हैं, हर लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इनके हिरागाना और काताकाना के भी अल्फ़ाबेट्स हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हिरागाना काताकाना की साउंड्स क्या हैं। अभी हम लिखने की तरफ नहीं जा रहे, साउंड्स की तरफ आ रहे हैं। तो आए, ये देखिए, ये लिखा हुआ है रोमा जी। ये जो चार्ट है ये एक्चुअली जापानीज में नहीं लिखा हुआ, जो लैटिन ज़बान है ए बी सी के मदद से, अभी चूँकि स्टार्ट कर रहे हैं हमारा, पहले दो चार लेक्चर होंगे तो मैं इनकी मदद से आपको समझाना शुरू करूँगा, फिर इंशाल्लाह हम इसके अंदर लिखना पढ़ना भी सीखेंगे। तो इसकी जो 46 साउंड्स हैं, 46 अल्फ़ाबेट जो हैं वो मैंने आपको बताए हैं, उनकी आवाज़ें जो है आप याद कर लें और इसी तरह याद हो जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसकी जो पहली बेसिक पाँच आवाज़ें हैं, पहली पांच आवाज़ें हैं, उन पर आगे तमाम बेस करता है। तो जो पहली आवाज़ें हैं पांच, वो कौन सी हैं? वूम में है आ ई ऊ ए ओ। ये देखिए मैंने उर्दू के अंदर भी लिख दिया होगा आ ई ऊ ए और ओ, और ये जो मैंने लिखा हुआ ना नीचे इंग्लिश के अंदर लेटर के अंदर रोमा जी में लिखा हुआ ए आई यू ई और ओ, इन साउंड्स को हमने जब जापानीज में करेंगे तो हमने ये वाली साउंड नहीं निकालनी। इसकी साउंड्स वो हैं जो मैंने ऊपर लिख दी है, जो मैंने ऊपर अनाउंस कर रहा है, जो मेरी आवाज़ है उसके मुताबिक आपने आवाज़ें लिखनी है। लिखने में यही होगा, लेकिन हम इसे ए नहीं पढ़ेंगे, इसे ई नहीं पढ़ेंगे, इसे ऊ भी नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? आ ई ऊ ए और ओ। और आपने ये जहन में रखना है कि ज़बर और पेश का ख्याल रखना है, ये बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। जैसे फ़र्ज़ करें ये ऊ की साउंड है और ये ओ की साउंड है, अगर हम इनके ऊपर ज़बर ज़ेर का फ़र्क नहीं करेंगे तो उनकी आवाज़ें मिक्स हो जाएंगी, मफहूम भी बदल जाएंगे, तो लिहाजा आपने इसका ख्याल रखना है। और ये पांच आवाज़ें हैं आ ई ऊ ए और ओ। उसके बाद जितना ये चार्ट है ये सारे 46 लिखे हुए हैं। नेक्स्ट जो साउंड आएगा वो है का का, तो का की कू के को, ये देखिए मैंने पेश डाली हुई है और ये ज़बर है। उसके बाद है सा, सा शी सु से सो, तो सा के बाद सी की साउंड जो है वो उनसे नहीं निकलती, प्रोनाउंस नहीं करते, शी प्रोनाउंस होता है उसे, सा शी सु से और सो। तो जैसा कि मैंने पहले बताया ये जो पांच बेस है आगे वाली आवाजें उन पर डिपेंड करती है। अगर आपका ये तलफ़ुज़ अच्छा हो गया ना आ ई ऊ ए ओ, तो बाकी आपको समझना ईजी हो जाएगा। तो का की कू के को, उसके बाद है सा शी सु से सो, उसके बाद है ता ची स ते तो। तो ये ता है, ता के बाद ती साउंड उनके अंदर नहीं है, ची की साउंड है। उसके बाद ये लिखा है टी एस यू, इसको प्रोनाउंस करते हैं सु के साथ, ऊपर वाला भी सु है और नीचे वाला सु है, ये नॉर्मल सु है, जैसे सी पेशवा सु नॉर्मल आवाज आती है। इसके अंदर जो जुबान है ऊपर वाले दांतों के साथ हम टच करेंगे और जोर देकर निकालना स, ठीक है, ऊपर वाला सु है और ये सु है, जोर से ते और तो हो गया।
उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ना नी नू ने नो। ये देखिए ये पेश है नू और ये जबर है नो एंड ओ नो। उसके बाद है मा मी मू मे मो। फिर है या यू यो। फिर है रा री रू रे रो। उसके बाद है वा वो उन। इस पर आपने गौर करना है ये एन लिखा हुआ है ना इसकी आवाज उन है ना अन है। ये देखिए मैंने अलीफ नूर और उसके ऊपर एक ये जज़्म सा होता है ना ये बना दिया तो आपने साउंड को गौर करना ये उन है उन। ठीक है जी। अब ये सारे हमारे पास 46 अल्फाबेट्स जो उनकी आवाजें हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी हुई है। ये 46 है और इसके अंदर आपको बता दूं या यू यू है या के बाद यी और ये दो नहीं है या यू और यो है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक बात और इसमें नोट करनी है ये जैसे मैंने तरतीब लिखी हुई है ना आ का सा ता ना आ मा या रा वा आपने यही इसी तरतीब के से यही याद करना है जैसे कि इंग्लिश के अंदर भी तरतीब है ना ए बी सी डी ई एफ जी एच। इसी तरह ये इनकी आवाज़ें इनको आपने आगे पीछे नहीं करना यानी कि यहाँ आप आ लगा दें तो उसके बाद सा लगा दें उसके बाद का लगा दें फिर ना लगा दें फिर रा लगा दें ऐसा नहीं करना। आपने इसको इसी तरतीब से याद करना है तो इनका अच्छी तरह इनकी साउंड याद कर लें और प्रोग्रेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं मैं उसको सुन भी लूँगा। तो यहाँ तक आज इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह इससे आगे फिर नेक्स्ट चलेंगे। बहुत मेहरबानी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।